गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड, प्रोसेस फंक्शन एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक, मैनेजरियल रोल इन फर्म। किसी संस्था के अंदर हमने कल पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि प्रबंधक होता है, प्रबंध होता है, हर संस्था में प्रबंधन होता है। और जब संस्था में प्रबंधन होता है तो प्रबंध करने वाला व्यक्ति प्रबंधक भी होगा। तो उस संस्था के अंदर एक प्रबंधक जो है, उस प्रबंधक का रोल क्या होता है, उस प्रबंधक की भूमिका क्या होती है। तो आज हम संस्था के अंदर, एक फर्म के अंदर एक मैनेजर का क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। बच्चों बात कर रहे हैं कि मिंट्सबर्ग नाम के एक स्कॉलर हुए, ठीक है। इन मिंट्सबर्ग नाम के स्कॉलर ने पांच बड़े औद्योगिक जो घराने थे, फाइव बड़ी कंपनीज थी, उनके ऊपर रिसर्च किया, उनके ऊपर रिसर्च किया, ठीक है, खोज की, अन्वेषण किया। उनके ऊपर अन्वेषण किया, रिसर्च की। बात ये कर रहे हैं कि मिंट्सबर्ग जो थे, इन्होंने पांच बड़ी कंपनियों पर रिसर्च किया, अन्वेषण किया, और उनके अन्वेषण का ये जो नतीजा है, ये हम आज टॉपिक के रूप में पढ़ने जा रहे हैं कि उनके रिसर्च ने क्या दिया, उनके रिसर्च ने जो समाज को दिया, वो आज का हमारा टॉपिक है, मैनेजरियल रोल इन ए फर्म अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग। मिंट्सबर्ग नाम के स्कॉलर ने एक मैनेजर की एक संस्था के अंदर भूमिका को तीन भागों में बांटा। नंबर एक, इंटरपर्सनल रोल। दूसरी भूमिका उन्होंने बताई इंफॉर्मेशनल रोल, अर्थात पहली भूमिका में उन्होंने अंतरव्यक्तिक भूमिका के रूप से बताया कि एक जो मैनेजर है, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से लोगों से कनेक्ट होता है, इंटरपर्सनल रूप में। दूसरा इंफॉर्मेटिव के रूप में बताया कि एक मैनेजर जो है वो सूचनात्मक भूमिकाएं, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचनाएं लेता है और सूचनाएं देता है, तो उसे कहा गया इंफॉर्मेशनल रोल या इंफॉर्मेटिव रोल। और उसके बाद में तीसरी जो बात बताई, उसमें कहा गया कि डिसीजनल रोल, जिसमें मैं एक मैनेजर जो है उसे कदम कदम पर विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो एक प्रबंधक की भूमिका निर्णयात्मक भूमिका के रूप में जानी गई। कुल मिलाकर मिंट्सबर्ग कहना चाहते हैं कि एक प्रबंधक मूल रूप से संस्था में तीन भूमिकाओं में प्रकट होता है, नंबर एक इंटरपर्सनल, नंबर दो इंफॉर्मेशनल और नंबर तीन डिसीजनल या निर्णयात्मक भूमिका। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरपर्सनल में एक नेता, एक मैनेजर जो है उसकी व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली उसकी क्या भूमिका रहती है, उसकी क्या रोल रहता है उसका। तो बात कर रहे हैं सबसे पहले कि वह एक संस्था का फिगर हेड होता है, वह एक संस्था का फिगर हेड होता है। फिगर हेड मतलब वह उस संस्था का मुखिया होता है, और मुखिया होने के कारण जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी प्रपत्र होंगे, जितने भी कागज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने का अधिकार जो है, अथॉरिटी जो है, वो किसके पास में होती है, एक प्रबंधक के पास में होती है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लीगल जो पेपर हैं, वो लीगल पेपर जारी होंगे तो किसके माध्यम से जारी होंगे, मैनेजर के माध्यम से, मैनेजर के साइन के द्वारा, तो उनके ऊपर साइन करने की उसकी भूमिका होती है। तो फिगर हेड एज ए लीगल हेड के रूप में, संस्था का लीगली जो हेड होता है वो एक मैनेजर होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं दूसरा, लीडर्स रोल। अब यहां पर तो उसने एक लीगल हेड के रूप में भूमिका निभाई, एक फिगर हेड के रूप में भूमिका निभाई। सेकेंड रोल जो
निभा रहा है अंतर्व्यक्ति के रूप में एक मैनेजर, वो होता है एक लीडर्स के रूप में, एक नेता के रूप में। अब नेता का काम क्या होता है? नेता का काम होता है अपने जो फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स को मोटिवेट करना और उनको ऑब्जेक्ट की ओर आगे लेके जाना, उन्हें इस प्रकार से अभिप्रेरित करना, उन्हें इस प्रकार से मोटिवेट करना कि वो दिल से ऑटोमेटिकली लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। अर्थात जैसे एक नेता का जो कार्य और व्यवहार जो होता है वो इंस्पायरेबल होता है, उसी प्रकार से एक मैनेजर जो होता है, वह मैनेजर भी अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके सामने अपने एक आइडियल रोल पेश करता है, एक मोटिवेटर के रूप में पेश आता है, ठीक है, तो उन्हें मोटिवेशन देता है, उनके वर्क को देख रेख करता है और उन्हें आगे उद्देश्य की ओर बढ़ाता है। इसलिए इसे कहा गया लीडर्स रोल, मोटिवेटर के रूप में। तीसरा है लेजन ऑफिसर रोल, एक संपर्क अधिकारी के रूप में। संपर्क अधिकारी का मतलब क्या है? एक जो मैनेजर है वह संस्था के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट, देखो दो प्रकार के एनवायरनमेंट होता है, ये संस्था है, इस संस्था के बाहर का वातावरण और ये संस्था के अंदर का वातावरण, दोनों तरह का जो वातावरण है, इन दोनों तरह के वातावरण को जोड़ने वाला जो व्यक्ति है, कनेक्ट करने वाला जो व्यक्ति है, वो कौन है? मैनेजर। मैनेजर की ड्यूटी जितनी संस्था के किसी फर्म के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट को मैनेज करने की होती है, उतनी ही भूमिका बाहर के एनवायरनमेंट को मैनेज करने की भी होती है। बाहर का मतलब जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, जो मार्केटिंग करने वाले जो पर्सन है, मार्केटर्स, ठीक है। इसके अलावा अदर और भी जो गवर्नमेंट वगैरह है, जो अदर जो पार्टिसिपेंट्स है, जो समाज से हमारे जुड़े होते हैं, हमारे व्यवसाय से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करने का जो काम करता है वो कौन करता है? मैनेजर करता है। मैनेजर एक लेजन ऑफिसर के रूप में काम करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट को आपस में जोड़ के रखता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल की भूमिका एक्सटर्नल के लिए है और एक्सटर्नल की भूमिका इंटरनल के लिए, दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और मैनेजर जो है इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, इसलिए इसको लेजन ऑफिसर के रूप में जाना गया, एक संपर्क अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने बात की एक इंटरपर्सनल रोल के रूप में, अंतर्वैयक्तिक भूमिका के रूप में एक मैनेजर जो है वो कौन कौन सा काम करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, और दूसरे चरण में हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशनल रोल। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सूचनात्मक भूमिकाएं, मतलब सूचनाओं का संवहन करने वाला व्यक्ति, सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति, जो सूचनाओं को एक तरफ कलेक्ट भी करता है, दूसरी ओर उन सूचनाओं को प्रसारित भी करता है, उन सूचनाओं को जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है उन इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड जो रोल है वो है इंफॉर्मेशनल रोल, और सूचनात्मक भूमिका में सबसे पहला है मॉनिटर्स रोल। मॉनिटर्स रोल का मतलब क्या है? मॉनिटर्स रोल का मतलब है इंफॉर्मेशन कलेक्टर, मतलब मार्केट में, समाज में, संस्था के प्रति क्या चल रहा है, ठीक है, समाज में क्या इनोवेटिव हो रहा है, समाज में क्या चीज कुछ डिफरेंट है, क्या कुछ नया है, क्या डिमांड है, बाजार की मांग, रुचि, फैशन, आदत, उन चीजों के बारे में पता लगाना, ठीक है। बिजनेस के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो सभी सूचनाएं, क्या बुरा हो सकता है वो सभी सूचनाओं का कलेक्शन करता है कौन? मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर एज ए इंफॉर्मेशन कलेक्टर होता है, इसलिए यहां पर उसे मॉनिटर रोल के रूप में जाना गया, एक प्रबोधक के रूप में जाना गया, एक निरीक्षक के रूप में जाना गया, एक वॉचमैन के रूप में जाना गया, एक वॉचिंग डॉग के रूप में जाना गया, जो बाहर से सूचनाओं को एकत्रित करता है और समाज में उसके, सॉरी, व्यवसाय में उसका यूटिलाइजेशन करता है, क्लियर। दूसरा है डिसेमिनेटर्स रोल। डिसेमिनेटर्स रोल क्या है? प्रचारक या प्रसारक, ठीक है। प्रचारक या प्रसारक का मतलब है हमने यहां पर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, हमने यहां पर जो इंफॉर्मेशन ग्रहण की थी, उन इंफॉर्मेशन कि जिनको नीड है उन लोगों तक उन सूचनाओं को पहुंचाने वाला व्यक्ति, उन लोगों तक उन चीजों को पहुंचाने वाला व्यक्ति।
तो ये क्या कहलाएगा, प्रचारक या प्रसारक के रूप में। फिर हमने आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पोकर्स पर्सन रोल, प्रवक्ता की भूमिका। प्रवक्ता की भूमिका क्या है कि देखो जब कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, और एक कहावत भी है कि बोलने वाला व्यक्ति मिट्टी भी बेच देता है और नहीं बोलने वाला व्यक्ति समाज में सोना भी नहीं बेच पाता है। तो यहाँ पर एक मैनेजर की एक कम्युनिकेटर के रूप में भूमिका है, एक स्पोक्स पर्सन के रूप में भूमिका है। यहाँ पर आपके जो व्यवसाय में जो कुछ भी है, जो कुछ आप समाज को देना चाहते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना, जो दिखता है सो बिकता है। तो लोगों को ये बताना कि हमारे पास व्यवसाय में क्या है, हम समाज को क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशंस है, जैसे आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो प्राइस है और उसके अंदर जो गुड फीचर्स हैं, उनको समाज तक पहुंचाना, तभी तो कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। तो बात ये कर रहे हैं कि प्रवक्ता की भूमिका में एक मैनेजर जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सटर्नल जो पार्ट्स है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, ठीक है, उन लोगों तक, सप्लायर्स है, उन लोगों तक पहुँचाता है। तो ये थी सूचनात्मक भूमिका। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरी भूमिका की ओर, और तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल क्या है? डिसीजनल रोल में एक प्रबंधक जो है वह निर्णय लेता है, वह डिसीजन लेता है। डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है, छोटी सी आम जिंदगी से लेकर के बड़े से बड़े लाइफ के अंदर, बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए डिसीजन का बहुत रोल है, क्योंकि एक छोटा सा डिसीजन लाइफ को बना भी सकता है और एक छोटा सा डिसीजन लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। क्लियर? तो बात ये कर रहे हैं कि प्रबंधक जो निर्णय लेता है, बड़ा सोच समझ के उसका निर्णय लेना होता है, तो ऐसे कंडीशन में ये उसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, निर्णयात्मक भूमिका या डिसीजन रोल। निर्णयात्मक भूमिका जो है डिसीजन रोल में, सबसे पहला बिंदु है एंटरप्रेन्योर्स रोल, उद्यमी या साहसी की भूमिका। साहसी की भूमिका क्या होती है? देखो, साहसी कौन होता है? वह व्यक्ति जो जोखिम उठा करके, जो रिस्क बियरर होता है, ठीक है, जो जोखिम उठा करके नए अवसरों को खोज करके उन अवसरों को भुनाने की सोचता है, कैश करने की सोचता है, वह व्यक्ति साहसी होता है, ठीक है। जो व्यक्ति रिस्क बियरिंग कर सकता है वह एंटरप्रेन्योरी होता है। तो बात ये कर रहे हैं कि प्रबंधक जो होता है वो अवसरों को खोजता है, अवसरों को तलाशता है, और उन अवसरों का लाभ कैसे लिया जाए इस बेस पर काम करता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योर्स रोल। नंबर सेकंड इज डिस्टर्बेंस हैंडल। जहां भी दो या दो से अधिक कर्मचारी या मानव होंगे, वहां पर किसी ना किसी बात पर उपद्रव होगा, आपसी डिस्प्यूट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, किसी भी बात पर हो सकता है। घर घर की कहानी है, हर फर्म की कहानी है, ऐसी कोई फर्म नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, जहाँ पर उपद्रव नहीं होता, ठीक है। और ये प्रबंधक का जो सेकंड पॉइंट है, निर्णयात्मक भूमिका का जो सेकंड पॉइंट है, इसमें प्रबंधक की जो भूमिका होती है वो घर में पिता के समान होती है, जो कि डिस्टर्बेंस को हैंडल करता है, उसको मिटाने की कोशिश करता है, डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। संस्था में डिस्प्यूट होना कॉमन बात है, लेकिन प्रबंधक की जिम्मेदारी क्या है? उस डिस्प्यूट को सॉल्व आउट किया जाए, उसको बैटरशिप टू बैटर टेक्निक के द्वारा उसको सॉल्व आउट किया जाए। तो यहाँ पर उसकी जो भूमिका है वो उपद्रव को निवारक है। आगे बात कर रहे हैं नंबर थर्ड कि रिसोर्सेज एलोकेटर। देर आर मैनी डिपार्टमेंट इन अ फर्म। एक संस्था के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। और उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कई बार ऐसा रहता है कि हर डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति, जो मैनेजर होता है, या हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, वो अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरे डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, जबकि जो फर्म का जो हेड मैनेजर है, जो टॉप लेवल का मैनेजर है, उसके लिए तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो हेड मैनेजर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो परचेज डिपार्टमेंट प्लस सेल्स डिपार्टमेंट प्लस एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उन सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार रिसोर्सेज उपलब्ध करवाए। ठीक उसी तरह एक पिता है, एक पिता घर में
कोई वस्तु लेके आता है, कोई कुछ भी चीज़ लेके आता है, घर में तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चे अपने अपनी तरफ से उसको छीना झपटी कोशिश करते हैं, लेकिन पिता अगर मौजूद है तो छीना झपटी नहीं होगी, वो उनको उनके नीड के अनुसार उस चीज़ को अवेलेबल करवा देंगे। तो यहाँ पर संसाधन वितरक के रूप में, और आगे है नेगोशिएटर या मध्यस्थ के रूप में। बिजनेस और एक्सटर्नल जो बॉडीज है उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी व्यवहार होते हैं, उन व्यवहार को करने के लिए मैनेजर जो होता है, उन व्यवहार को हैंडल करने के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, एक नेगोशिएटर की भूमिका निभाता है। अर्थात वह बिजनेस और एक्सटर्नल जो बॉडी है, सामाजिक जो वातावरण है, या जो कस्टमर्स है, या जो अदर जो कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ में बिजनेस करता है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को करने वाला कौन है, उन कॉन्ट्रैक्ट को कौन करता है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को मैनेजर करता है, जो होते बिजनेस के लिए हैं, करती थर्ड पार्टी है, लेकिन करता कौन है, मैनेजर करता है। तो एक तरफ बिजनेस, एक तरफ सप्लायर, दोनों पार्टी हो गई, और बीच में कौन है, मैनेजर। सप्लायर मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैनेजर जो भी रिसोर्सेज है वो बिजनेस में लाएगा, बिजनेस मैनेजर को देगा और मैनेजर सप्लायर को देगा। तो एक मीडिएटर की भूमिका जो होती है, एक मध्यस्थ की भूमिका जो होती है, वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है एक प्रबंधक। तो हमने आज बात की मिंट्सबर्ग के अकॉर्डिंग मैनेजरियल रोल इन ए फर्म, कि एक फर्म के अंदर एक जो मैनेजर होता है उस मैनेजर की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और यहाँ पर मैंने आपको एक क्लू भी दे रखा है याद करने के लिए, ठीक है, ताकि आप उसको भूले नहीं। जैसे फिगर हेड है, मुखिया के रूप में है, तो मुखिया के रूप में क्या करता है, तो लीगल हेड होता है, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने वाला होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।